डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आरसी ऑनलाइन पाठशाला। जैसा कि आपको पता है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट टू डेज से पढ़ रहे हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं। तो देखिए, देखिएगा आपको मैंने पढ़ाया आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट का माइनस वन, आयोटा की पावर टू क्या होती है, माइनस वन, आयोटा क्यूब क्या होती है, माइनस आयोटा, और आयोटा फोर की वैल्यू क्या होती है, वन। इतना मैंने आपको पढ़ा रखा है। और देखिए, अब बात करते हैं आयोटा की पावर माइनस का 39। अब आयोटा की अगर आपको कभी भी पावर नेगेटिव में मिल जाए तो कैसे सोल्व करना है, तो देखिए इसको सबसे पहले आयोटा की पावर 39 लिखो, 39 लिख दिया, उसके बाद देखो वन अपॉन आयोटा, ठीक है। आप 39 में 4 का डिवाइड करो तो क्या आएगा, 9। अरे 4 9 जा 36, और आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 3। तो आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर 9, और डॉट में क्या होगा, आयोटा का क्यूब, क्लियर है। और उसके बाद में क्या होगा, 1 अपॉन, समझ गए होगे, आयोटा की पावर 4। अब तो ये लास्ट टाइम का क्वेश्चन बन गया ना, जैसे आयोटा की पावर क्या था, 39 बोल दो, वो तो आपको सोल्व करना आता ही है कल की क्लास से। तो आपने 4 का डिवाइड किया, कितने बार गया, 9 टाइम्स गया, और उसमें क्या है डिनोमिनेटर में 3। तो आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर क्या है, 9 डॉट आयोटा क्यूब। तो देखिएगा, ध्यान देना, आयोटा की पावर 4 क्या होगा, 1, 1 की पावर 9, और आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, क्लियर। उसके बाद देखो 1 अपॉन 1 की पावर 9 क्या है, 1, और 1 को मल्टीप्लाई किससे करो, माइनस आयोटा से, तो क्या आएगा, माइनस आयोटा, ये लो माइनस आयोटा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन आयोटा, ये माइनस था उसको आगे लगा दिया। उसके बाद क्या करोगे, आयोटा अपॉन आयोटा, देखिए माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा, माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर क्या होगा, माइनस 1, और यहां से क्या आया, आयोटा, क्लियर है कि नहीं है। देखो आयोटा की पावर 39 था, उसको आपने 4 से डिवाइड किया, तो 14 9 जा 36 होता है, तो 9 और 3, तो आयोटा की पावर 4 और 9 क्या हो गया, 1 की पावर 9, क्योंकि वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 1, डॉट आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। तो देखो 1 अपॉन, अरे 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो, आपको जिस नंबर से कर रहे हो वही नंबर मिल जाएगा, तो क्या किया, माइनस आयोटा। फिर इसको क्या लिखोगे, माइनस 1 अपॉन आयोटा, ये मैंने सिखा रखा है, आप जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आए क्या किया, आयोटा अपॉन आयोटा, क्लियर। तो ये ऊपर से क्या बना, माइनस आयोटा, और नीचे क्या बना, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो क्या बन गया, आयोटा आंसर आ गया। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये आपको कॉपी में नोट करने हैं, और जब आप ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तो इनको हम और अच्छे से बताएंगे, क्योंकि देखिए ऑनलाइन में मैं ही आपको पढ़ाता हूं, आप अपने डाउट्स नहीं पूछ सकते, तो ये ऑफलाइन क्लास होगी, उस टाइम आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी, आप इसका चिंता ना करें, और अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ते चलें, और जो एक बार मेथड आप देख लें तो ये आपको बहुत फायदा करेगा, जब अच्छे क्वेश्चन से हम कराएंगे। देखिएगा उसके बाद, देखिए आयोटा की पावर 173 और इस क्या है, माइनस, क्लियर है। अब क्या करना है, ध्यान देना, आयोटा की पावर 173 हो गया। अब देखो 173 में किसका डिवाइड करो, 4 का, क्यों करते हैं 4 से, क्योंकि आयोटा की पावर 4 होता है, वो क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए क्या आया, 4 4 जा, और ये हो गया, और एक आ गया रिमाइंडर, यही है। तो यहां से क्या हुआ, देखो 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर क्या है, 43, क्लियर है ना। और क्या बच गया, आयोटा की पावर 1, ठीक है, अरे एक है ना, तो आयोटा की पावर क्या हो गया, 1, अलग कर लिया। अब देखो 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1, इसकी पावर क्या है, 43 डॉट आयोटा। उसके बाद देखो 1 अपॉन
वन की पावर 43 क्या होगा, वन इंटू आयोटा, उसके बाद देखो वन अपॉन आयोटा कंप्लीट, इसमें आप बता ही रखा है आयोटा अपॉन आयोटा, और ये क्या होगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। तो देखिए आयोटा अपॉन माइनस वन, और यहां से क्या आएगा माइनस आयोटा, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो मेरा कहने का मतलब समझ गए होगे कि आपको नेगेटिव अगर कभी भी दिखाई दे तो आप उसको न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लाके पॉजिटिव करोगे, और पॉजिटिव करने के बाद उसको सोल्व करोगे। एक क्वेश्चन और देख लो, नंगे हाथ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लो आयोटा की पावर माइनस 8, 9, 7 इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो क्या करना है, वन अपॉन आयोटा की पावर 8, 9, 7। अब 8, 9, 7 वाले इसमें 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 4 2 और ये आ गया 1 अपॉन आयोटा की पावर 4, और इसकी पावर क्या होगा 2 2 4, और ये आयोटा की पावर 1, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद देखो 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 क्या होगा, 1 की पावर 2 2 4, और ये क्या होगा आयोटा 1 अपॉन, इसकी 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा इंटू आयोटा, तो 1 अपॉन आयोटा क्या होगा, अभी बताया है 1 अपॉन आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा, ठीक है। इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, और इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिएगा जिससे आपके कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं रहे। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास को फिनिश किया है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे भी थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही।